हाय एवरीवन दिस इज वानिका आज हम बात करेंगे एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स की जो कि सेंट्रल एशिया में मिले हैं वहाँ पे देखिए इनका प्रेजेंस पहले भी था लेकिन लास्ट थर्टी इयर्स से इनको वहाँ पे नहीं देखा गया बट अब तीस साल के बाद अचानक से इनका प्रेजेंस फिर से सेंट्रल एशिया में दिखा है कहाँ पे किस जगह और इन्वामेंट के लिए इसका क्या मतलब है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू क्या वे कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी देखिए ये न्यूज़ डाउन टू अर्थ पे भी आपको मिलेगी प्रिंट मीडिया में और जगह पर मिलेगी कि रिसर्चर्स ने जो ढोल्स हैं उनको किर्गिस्तान में तीन डिकेड्स के बाद यानी तीस साल के बाद देखा है देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स में जब हम खैर ये तो वाइल्ड डॉग की बात हो रही है बट कहीं पर हम बहुत छोटे छोटे स्पीशीज़ की बात करते हैं स्नेल्स हो गए अर्थवर्म्स हो गए बटरफ्लाइज एंड यू पीपल कैन एक्चुअली रिकोगनाइज देम कि आपके एरिया में आपने उनको देखा है दिस इज अ गुड थिंग क्योंकि सब लोग जो इस तरह के छोटे स्पीशीज होते हैं उनको रिकोगनाइज़ नहीं कर पाते दैट मीन्स आर वेल कनेक्टेड टू नेचर नाउ कमिंग टू दिस स्टडी जहाँ पर रिपोर्ट किया गया है कि डोल्स जो हैं जिनको एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स डोल्स इनको ऐसे बोला जाता है अदरवाइज एक ज़्यादा एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स क्वान एल्पिनस ये इनका साइंटिफिक नेम है हाई माउंटेंस जो सेंट्रल एशिया की हैं वहाँ पर ये मिले हैं इससे पहले इनका रिकॉर्ड वहाँ पर रिकॉर्ड इनका प्रेजेंस वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था तीस साल पहले अब देखिए कुछ एनिमल्स किसी जगह से गायब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स एंड देन दे कम बैक अगैन कई बार ये अच्छी बात होती है कई बार ये अच्छी बात नहीं होती जैसे हमने फेरेल डॉग्स की बात की थी बहुत पहले एक वीडियो में फेरेल डॉग्स को लद्दाख में उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा था लेकिन वहाँ पे ये एक चिंता की बात थी चिंता की बात क्यों क्योंकि वहाँ पे फेरेल डॉग्स जो स्नो लेपर्ड है उस पर अटैक कर रहे थे और स्नो लेपर्ड अगर आप देखेंगे एक प्रोटेक्टेड एनिमल है ऑलरेडी उसकी पॉपुलेशन कम हो रही है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ फेरल डॉग्स जो है जो लोग इतने ज़्यादा वेस्ट डालते हैं टूरिस्ट जाते हैं लद्दाख में वेस्ट डालते हैं उससे उनको खाना मिलता है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एंड देन दे स्टार्ट अटैकिंग एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड्स ऑल्सो उसके बाद एक और हमने एग्जाम्पल uh, इस तरह का डॉग्स का देखा वल्चर्स के केस में वल्चर्स के केस में क्या हुआ हमें पता है कि तीन स्पीशीज़ इंडिया में इस तरीके के हैं जो पिछले कुछ सालों में 99% वल्चर्स डिक्लाइन हो गए अब वल्चर्स का डिक्लाइन होना इन्वायरमेंट से हमारे लिए नुकसानदही है क्यों क्योंकि ये इन्वायरमेंट के क्लीनर्स हैं क्लीनजर्स हैं डेड बॉडीज़ जो कैरकैसेज होते हैं एनिमल्स के उन पे फीड करते हैं और इन्वायरमेंट uh, को क्लीन करते हैं बीमारियाँ स्प्रेड होने से बचाते हैं लेकिन अब जब वल्चर्स ही नहीं रहे मतलब हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम हो गई तो ये जो डेड बॉडीज़ हैं ये इंक्रीज़ होने लगी इन्वायरमेंट गंदा होने लगा और फिर इन डेड बॉडीज़ पे ये जो फेरल डॉग्स हैं वाइल्ड डॉग्स हैं ये फीड करने लग गए ये फीड करने लग गए इससे जो बीमारियां हैं इंक्रीज होने लग गई रेबीज़ के चांसेस ह्यूमंस में इंक्रीज हो गए फैलने के इस तरह के जूनोटिक डिजीज़ तो कुछ केसेस में जब हम डॉग्स को इस तरीके से देखते हैं तो कहीं उनकी पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है या कहीं पर ज्यादा प्रेजेंस मिलता है तो इन्वायरमेंट के लिए किसी एनिमल का क्या रोल रहेगा वो केस टू केस डिपेंड करते हैं हमें मैंने दो केसेस डॉग्स कैप से डिस्कस किए नाउ दिस इज अबाउट सेंट्रल एशिया ये एनिमल्स जो डिस्कवर हुए बैक टू साउ कन्ज़रवेंसी में ओश रीजन सदर्न किर्गिस्तान में जो कि तजिक बॉर्डर से कुछ किलोमीटर दूर पे है जो पामिर माउंटेन रेंज है आपकी वहाँ पे आ, उस एरिया की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेंट्रल एशिया देख सकते हैं ऑलमोस्ट इस एरिया की ये ताजिक नेशनल पार्क है आपकी इसकी ये किर्गिस्तान है आपका तो साउथ किर्गिस्तान में समवेयर हैर यहाँ पे ये एनिमल्स जो है स्पॉट किए गए माउंटेन रेंज वाला एरिया ओके okay. अब देखिए रिसर्च क्या बोलती है ऑथर्स बोलते हैं ये जो नई डिस्ट्रीब्यूशन है धोल्स की इन डॉग्स की सर्दर्न किर्गिस्तान में यहाँ पे अब डेफिनेटली इसको स्टडी किया जाएगा नॉन इन्वेसिव जेनेटिक सैम्पलिंग यूज की जाएगी नॉन इन्वेसिव हो गई कि ऐसा नहीं है कि इनको इंजेक्ट करके कुछ जेनेटिक सैंपल्स लिए जाएंगे मे बी इनकी स्टूल लिया जाए यूरिन पास कर रहे हैं इस तरह के सैंपल्स जो हैं वो जेनेटिक सैम्पलिंग के लिए कलेक्ट किए जाएंगे इनको पढ़ा जाएगा कि कहाँ से ये आए किस तरफ से आए और ये रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे प्लस ये जो नॉन इन्वेसिव सर्वेज हैं यहाँ पे इन्होंने और भी इस तरह के एनिमल्स को यहाँ पे नोटिस किया है जैसे स्नो लेपड्स हो गए यूरेशियन लिंक्स हो गए ब्राउन बियर्स हो गए रेड फॉक्सिस हो गए और सफिशेंट अबंडेंस अब यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये यह एनिमल्स ज़्यादा क्यों हो गए बिकॉज uh, यहाँ पे प्रेशिकार इनको बहुत ज़्यादा मिलने लग गया यानी स्प्रे मीन्स फूड इनके लिए खाना है कार्निवोर्स के लिए कार्निवोर कॉम्युनिटी के लिए कार्निवोर कॉम्युनिटी हो गई जो एनिमल्स प्लांट्स दोनों पे फीड करते हैं और यहाँ पे कार्निवोर्स को जब जहाँ पे ज़्यादा खाना मिलेगा वहाँ उस तरफ मूव करेंगे इसलिए ये डॉग्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो दिस कुछ बी द पॉसिबल रीज़न और यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड की गई देर हैड बिन नो कन्फर्मड रिपोर्ट्स ऑफ धोल्स इन मोर देन थर्टी थर्टी ईयर्स ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत से एरियाज़ में धोल्स जो हैं ये वाइल्ड डॉग्स तीस साल से इनकी यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं थी मंगोलिया में रशियन फेडरेशन में कजाकिस्तान में किर्गिस्तान में अफगानिस्तान में ताजकस्तान इस एरिया में ये डॉग्स नहीं मिल रहे थे अब धोल्स के बारे में बात करते हैं क्वॉन एल्पनस इनका साइंटिफिक नेम है वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल ऑबियसली वाइल्ड तो है और कार्निवोरस है डॉग्स आर कार्निवोरस एंड फैमिली कैनिडे से बिलोंग करता है क्लास मैमलिया डॉग्स आर मैमल्स नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज एशियन वाइल्ड डॉग्स धोल्स को एशियन वाइल्ड डॉग्स भी कहा जाता है हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ये बहुत से एरियाज में पाए जाते थे रशिया सदर्न रशिया हो गया पूरा सेंट्रल एशिया हो गया आपका साउथ एशिया हो गया साउथ ईस्ट एशिया हो गया और रिसेंट रिसर्च जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अब ये साउथ साउथ ईस्ट एशिया में ही मोस्टली पाए जाते हैं या नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉपुलेशन हैं चाइना चाएन की वहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में ये तीन क्लस्टर्स हैं जहाँ पाए जाते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स वाली तरफ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप जो है हमारा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ पे ये डॉग्स पाए जाते हैं कर्नाटका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जो धोल्स हैं इनको प्रिजर्व करना चाहते हैं इनका रैंक इसमें काफ़ी हायर है एक स्टडी 2020 में हुई थी दैट दे आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड धूल इन इंडिया कि इनको बचाना चाहिए आई लिस्ट जो थ्रेटिन स्पीशीज की है वो इस एनिमल को एंडेंजर्ड बताती है साइट्स में भी ये प्रोटेक्शन इसको मिली अपेंडिक्स टू के हिसाब से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था ये सारे स्कीड्यूल्स का क्या मतलब है स्केड्यूल वन में एनिमल को क्या प्रोटेक्शन मिलती है टू में क्या मिलती है सो so, ये अंडर स्केड्यूल टू आता है सो धोल्स दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्रिडेटर्स। अब धोल्स जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे ये इनका रोल क्या होगा एपेक्स प्रिडेटर। एपेक्स प्रिडेटर कौन से होते हैं जो टॉप पे हों यानी उनके ऊपर कोई शिकारी नहीं है वो टॉप लेवल पे आते हैं फूड चेन के इसलिए वी कॉल दम एपेक्स प्रिडेटर्स और अपेक्स प्रिडेटर्स आपके कौन से लायन्स हो गए लेपड्स हो गए राइट right, इस तरह के एनिमल्स आपके टॉप प्रिडेटर्स हैं ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं डेंजर्ड हाउस लिस्ट में धोल और हैबिटेट इसका आप पढ़ सकते हैं साइट पे जाके क्या खाते हैं होम रेंज क्या है ओके अभी तक जो इनके पॉपुलेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है तो एक चैलेंज भी है क्योंकि कई बार ये बहुत विजिबल नहीं होते कैमोफ्लॉज इनका जंगल के साथ इतना ख़तरनाक होता है कि हम इनको नहीं काउंट कर सकते बट फिर भी गेस्ट एस्टिमेट लगाया जाता है कि थाउजेंड टू टू थाउजेंड अडल्ट मेचोर ढोल्स जो हैं लीव सॉरी दे आर लेफ्ट ग्लोबली यानी इनकी टोटल पॉपुलेशन में से अब थाउजेंड टू टू थाउजेंड ढोल्स जो है, वही हैं वही बचे हैं और इंडिया में इनका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अब पॉपुलेशन अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या रीजन्स हैं सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है ये वर्ड ना हैबिटेट लॉस आप कहीं पे भी डाल दीजिए तो हो ही रहा है इसलिए किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन कम हो रही है डिफॉरस्ट्रेशन फ्रेगमेंटेशन की वजह से इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है प्रे बेस कम हो रहा है जिन चीज़ों पे ये फीड करते हैं जिन एनिमल्स पे फीड करते हैं वो कम हो रहे हैं आ, किस वजह से हंटिंग की वजह से या उनका हैबिटेट भी कम हो रहा है ऊपर से लाइफ स्टॉक प्रोडेक्शन ये जब एनिमल्स पे जो लोग घर में पालते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स उन पे अटैक करेंगे तो इनको लोग मारते हैं डिजीज़ ट्रांसफ़र भी हो जाती है डोमेस्टिक और फेरल डॉग्स इन वाइल्ड डॉग्स को तो इस वजह से इनका पॉपुलेशन कम हो रहा है अब देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो पॉपुलेशन इनकी डिस्कवर हुई है ये आज तक अनडिटेक्टेड कैसे गई आज तक इनको पता क्यों नहीं चला रिसर्चर्स को कि यहाँ पे इन डॉग्स की पॉपुलेशन है तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दी जा रही है हमारे पास तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जो हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं वो सही है अब जो लोकेशन है इस नई पॉपुलेशन की ये ताजिक नेशनल पार्क के पास है ताजिकस्तान में और वो एरिया ऐसा रिमोट एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूम्स नहीं है उनका हैबिटेशन नहीं है नॉर्दर्न पोर्शन जो है तो हो सकता है पॉसिबल है यहाँ पर डोल्स जो हैं ये पहले से ही ये डॉग्स रह रहे हों लेकिन हमको नहीं पता चला तो अब जब हम फिर से ढूंढने लगे हैं या रिसर्च चल रही है तो रेस गया विदाउट आई मीन I mean, इनको फिर से रिस्टैब्लिश इनका नंबर यहाँ पे किया गया अब किसी को दिखे तो पता चला ओके ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सो दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेसिस अब कंजर्वेशन अगर धोल की करनी है इंडिया में इसका क्या मतलब है हाई एशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्नो लेपेड्स अब जितना हमारा एशिया के हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्नो लेपेड्स को लेकर स्नो लेपेड्स ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एनिमल है और यहाँ पर अब एक और अपेक्स प्रेडेटर आ जाता है ढोल तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है देखिए अब गुड न्यूज़ है या कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बट लेट्स कंसिडर इट इज़ अ गुड न्यूज़ और uh, रेंज एच प्रेजेंस रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं ये लाइक like इसका क्या मतलब हुआ कि हमको कंजर्वेशन एफर्ट्स अभी भी चाहिए जिन लोकेशंस पे टॉप प्रिडेटर्स हैं स्पेशली अगर धोल की बात करें इंडिया नेपाल भूटान थाईलैंड इनकी पॉपुलेशन को यहाँ पे हम रिवाइव कर सकते हैं तो रिवाइव करने का मतलब इनके लिए अच्छा प्रे बेस रहे हैबिटेट लॉस ना हो तभी ये कंजर्व इनको कर पाएंगे अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं धोल के बारे में जैसे आपने जर्मन शेफिड डॉग के बारे में सुना होगा देखा होगा काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है ये वाइल्ड एशियाटिक डॉग्स बहुत ज़्यादा मिलता है और एक समय था ये वाइल्ड डॉग्स पूरे एशिया में थे नॉर्थ अमेरिका यूरोप में लेकिन अब कुछ 12000 से 18 साल सालों से इनका नंबर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिड्यूज़ होता जा रहा है अब जो एडल्ट वाइल्ड डॉग है ये एक किलोग्राम मीट जो है चार सेकेंड्स में खा सकता है सो दैट इज वेरी फास्ट एंड लेटर इट कैन रिगर्जिटेट रिगर्जिटेट इट टू फीड अदर मेंबर्स ऑफ इट्स पैक देखिए ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है रिगर्जिगेट का क्या मतलब होता है uh, कि कुछ जैसे फोर सेकंड्स में ये वन के जी मीट तो खा लेंगे उसको हाफ डाइजेस्ट करेंगे और फिर से उसको मुंह में लाके जो इनके मेंबर्स हैं अपने पैक के बाकी के जो डॉग्स हैं उनको भी फीड करेंगे ये आ, जो एबिलिटी है बहुत सारे बर्ड्स में भी होती है वो अपने यंग वंस को कैसे फीड करते हैं कुछ भी खाते हैं उसको हाफ डाइजेस्ट करते हैं स्टमक में जाके फिर से उसको अपने मुंह में ला सकने की एबिलिटी इनकी रहती है तो सेम चीज़ इस डॉग में भी रहती है और इनके पैक्स ने बहुत ज़्यादा टाइगर्स को भी मारा है लेपिड्स को भी मारा है एशियाटिक ब्लैक बियर्स पर भी अटैक करते हैं सो दैट इज़ वन सेंग देर एपैक्स प्रिडेटर्स और ये इस तरह के एनिमल्स हैं दैट कैन रन एट स्पीड अप टू फोर्टी फाइव मीटर पर आर की स्पीड से बहुत तेज रनर्स भी हैं अब क्वेश्चन आपके लिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली डबल हम्ड कैंपल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली वन हांड वन हॉन्ट राइनोसिरोस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर बता सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए या कॉल कीजिए Uh, आपको सारी द, जानकारी वहाँ पर दी जाएगी कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच